नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र कुमार। विशेष में आज की शुरुआत हम टोंक से करेंगे, जहां हरि सिंह कुंड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वहीं दूसरी ओर टोंक के निवाई में संत आशाराम गौशाला गरीबों को रोजगार दे रही है। हम बात कर रहे हैं टोंक की, जहां मालपुरा उपखंड के हरि सिंह कुंड प्रशासन की बेरुखी के कारण बदहाली का शिकार हो रहा है। पेश है ये खास रिपोर्ट। ये वही 12 बीघा के क्षेत्रफल में बना राजस्थान का प्रसिद्ध कुंड है, जो कि किसी जमाने में रियासतों की प्यास बुझाया करता था। तो हम आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि ये वही प्रसिद्ध हरि सिंह कुंड है, जिसका निर्माण कुशवाहा वंश के राजा हरि सिंह खगरोत ने प्रजा की प्यास बुझाने के लिए 400 वर्ष पूर्व करवाया था। कुंड के पानी का उपयोग मुख्य रूप से पेयजल के लिए काम में लिया जाता था, लेकिन आज बदहाली पर रोना रो रहा है। राजा हरि सिंह जी का बनाया हुआ कुंड है, उनकी सोच और उनकी समझ का एक जीता जागता नमूना है। उन्होंने पूर्व में शायद पानी की कमी को देखते हुए ये कुंड बनाया और साथ में एक कुंड के साथ में एक किला बनाया, जिसमें इसकी मिट्टी का उपयोग लिया गया, जिससे इसका निर्माण किया गया बाद में। उसके पश्चात प्रशासन की इस पे नज़र आज भी नहीं है और पूर्व में भी नहीं थी, और इस लामबाजी सिंह को इसी कुंड की वजह से एक छोटे काशी के नाम से भी जाना जाता है। उसकी देन सिर्फ एक कुंड है। 400 साल पुराना है कुंड, राजा हरि सिंह जी के द्वारा बनवाया हुआ है, और इसमें पहले किसी जमाने में पानी पीने के काम में आता था। आज ये पानी गंदगी से पूरा भरा हुआ है, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, और इसकी सफाई के लिए जैसे यहाँ की कुछ लामबार सिंह के अंदर कुछ संस्थाएं हैं, बजरंग दल है, भारत विकास परिषद है, ये अपना पूरा प्रयास करते हैं साफ सफाई के लिए, और ग्रामीणों का सहयोग है, लेकिन सरकारी सहयोग इसमें कम मिल रहा है। लांबा हरि सिंह के 12 बीघा क्षेत्र में फैला ये ऐतिहासिक कुंड 2008 में उस समय पूरे देश में चर्चित हुआ, जब इस कुंड में डूबती 3 जिंदगियों को यहीं की रहने वाली 13 वर्षीय जाबाज हीना ने डूबने से बचा लिया और बहादुरी का एक ऐसा परिचय दिया कि हीना को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा 2009 में सम्मानित किया गया। आज भी गांव और टोंक जिले को जहां बहादुर हीना पर गर्व है, वहीं जिन 3 लड़कियों को हीना ने डूबने से बचाया था, वो हीना को किसी मसीहा से कम नहीं समझती। बहादुर हीना और मौत के मुंह से लौटी बालिकाओं के जहन में कैसी है उस घटना की यादें, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तीनों डूब रही थी, मैं इनको देख के चिल्ला रही थी ऐसे कैसे, इनका हाथ तीनों हाथ दिखा वैसे ही इनको निकाल कर पेड़ी पे ला के रखा। कैसे निकाला तुमने इनको? बाल पकड़ पकड़ एक एक करके। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। नहाने और कपड़े धोने गई थी और हमने कपड़े धो लिए थे, उसके बाद जब हम नहाने लगे तो मेरी बहन ने जो डुबकी लगाई उसका पैर स्लिप हो गया और वो गहरे पानी में डूबने लगी, तो मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मैं खुद अपना बैलेंस खो बैठी और मैं भी पानी में गिरने लगी। उसके बाद में एक गुलफशा नाम की लड़की ने भी हमें बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी गिर गई। उसके बाद में हमने चिल्लाने की कोशिश की और हमने अपने हाथ पैर हिलाए और वह जो उसी घाट पर नारी लड़कियों ने हमें देखा और उस हीना नाम की लड़की ने अपनी जान की परवाह किए बिना कुंड में डुबकी लगाई और हम तीनों को एक एक करके निकाला। उसने और उस वक्त मैं बेहोश हो गई थी, उन्होंने मेरा नाक दबाया और जिसके बाद में मुझे होश आया और उसने मेरे मुंह में से पानी वानी निकाला किया इसके बाद में, और मैं उस हीना को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उसकी शुक्रगुजार।
ये कुंड राजा हरि सिंह की बेजोड़ और अद्भुत सोच का नतीजा है, जिसमें अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण करवाया गया था। कुंड में पानी की आवक के लिए दो नहरों का निर्माण करवाया गया था और जानवरों के पानी पीने के लिए एक विशेष प्रकार का स्थान बनवाया गया था, जिसमें मवेशी आसानी से उतरकर पानी पी सके। कुंड के अंदर 34 घाट बनाए हुए हैं और कुंड के चारों ओर छत्रियां और हिंदू देवी देवताओं के भव्य मंदिर भी बनाए हुए हैं। इतिहास तो बहुत लंबा है इसका, बहुत ही वर्षों से ये कुंड हमारे यहाँ पर नहाने के लिए और यहाँ पर पेयजल के लिए उपयोग में होता है इसका पानी। और आज इसको देखते हुए हम क्या, हमारा पूरा गांव ही इसको देखता है कि पहले इतना पेयजल में उपयोग लेते थे हम, लेकिन आज इसमें पता नहीं बहुत प्रकार की बीमारियों से घर बना लिया है, बहुत प्रकार के जीव पैदा हो गए हैं इनके अंदर, कांजी टाइप की कुछ सेवाली उग गई है जो कि बहुत ही सारी बीमारियां फैलाती है। और यहां पर बहुत सारे, पहले बहुत सारे लोग यहां पर नहाने के लिए आते थे, लेकिन अब तो लोग यहां पर नहाने से भी डरते हैं कि कहीं हम बीमार नहीं हो जाए। ये कुंड उस वजह से बनाया गया था कि इसमें जल संरक्षण करने के लिए, जनता को पानी पिलाने के लिए, लेकिन इससे पूर्व जन्म में हमारे पूर्वज बताते थे कि इसका पानी हम कारोबार में काम लेते थे, पानी पीने के लिए ले जाते थे, लेकिन आज के समय में इस सरकार और प्रशासन की वजह से हमने पुरातत्व विभाग को भी कई बार लिख के दे दिया गांव की तरफ से, इसका ये उपेक्षा का शिकार रहा है। आज इसमें गंदगी अटी पड़ी है, आज इसमें जानवर पानी पीते हैं, गंदगी पड़ी रहती है, कचरा बड़ा हुआ है, चारों तरफ दीवारें ढह गई है। प्रशासन द्वारा एक दो बार निर्माण किया गया तो फॉर्मेलिटी टाइप किया गया था, विशेष कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम इस तरफ विशेष तौर से सरकार से हमारी आवाज पहुंचे तो हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ से हम ग्रामवासी कहते हैं कि इसका कम से कम सार संभाल लीजिए। ये राजस्थान का माना हुआ एक कुंड है, शायद ही कहीं इतना बड़ा कुंड 12 बीघा में नहीं मिलेगा। ये कुंड ऐतिहासिक स्थलों में अपना विशेष महत्व रखता है, लेकिन वर्तमान समय में स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के कारण कुंड कचरे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अब देखना यह होगा कि इस कुंड की काया पलट कब होगी। टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। HBC विशेष में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जानेंगे हरि सिंह कुंड के बारे में कुछ और बातें ब्रेक के बाद। HBC विशेष में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसे कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हरि सिंह कुंड के बारे में, जो इस वक्त प्रशासन की अनदेखी के कारण जहां वो कभी जल का स्रोत हुआ करता था, वहां वो अभी बीमारी का घर बन गया है। वहीं दूसरी ओर टोंक के निवाई में स्थित है संत आशाराम गौशाला, जो न सिर्फ 1000 गायों को पालती है, बल्कि इन गायों के सहारे आसपास के दर्जनों गांवों के लगभग 1000 परिवारों का पेट भी पल रहा है। आइए दिखाते हैं कैसे। आज हम पहुंचे हैं संत आशाराम गौशाला में, जहां पर ना सिर्फ 1000 गायों का पालन पोषण किया जा रहा है, बल्कि इस पालन पोषण से पल रहे हैं 1000 परिवार। कैसे पल रहे हैं परिवार, क्या होता है इस गौशाला के अंदर और कैसे बदल रही है 1000 परिवारों की तकदीर, जानेंगे हम यहां पहुंचकर। महंगाई के इस दौर में लोग अपने जानवरों को पालने की जगह जंगलों में छोड़ाते हैं, लेकिन NH 12 पर निवाई बाईपास पर स्थित आशाराम गौशाला के मायने गायों के लिए कुछ अलग ही है। और यहाँ पर लगभग 1000 गायों के सहारे ही 1000 परिवारों को पालन पोषण भी हो रहा है। इसके लिए गौशाला के प्रबंधन ने गौशाला परिसर में ही गायों के गोबर से धूप बत्ती के साथ वर्मी कंपोस्ट खाद और गोबर गैस प्लांट लगाए हैं, जिसमें कार्य कर आसपास के दर्जनों गांवों की महिलाएं जब शाम को अपने घर लौटती हैं तो उनके पास होती है 100 रुपए से लेकर 160 रुपए तक की मजदूरी, और ये मजदूरी उनके परिवारों के पालन पोषण में मदद करती है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ गायों का घी कभी नहीं निकाला जाता है। अरे यहाँ पे लगभग 1000 गायों की सेवा होती है, और यहाँ पे गाय जो कटने के लिए जाती है, कई बार यहाँ पर रोड के ऊपर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, प्रशासन वाले पकड़ लेते हैं, उन गायों को यहाँ पर छोड़ के जाते हैं, और उन गायों की बड़ी अच्छी तरीके से देखभाल यहाँ पर हर तरीके से होती है। दूसरा है, यहाँ पर हजारों परिवारों का पालन पोषण गायों के माध्यम से हो रहा है, और
किसी भी तरीके की बाउंडेड गाय, घायल गाय कहीं पे भी हमको समाचार मिलता है तो हम उसको लेकर के आते हैं, पालन पोषण उसका विधिवत तरीके से करते हैं। और हमको पूज्य बापू जी की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, आदेश है कि गाय को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। खाने जाने वाली गाय होती है, उन गायों को यहाँ पे रोक के उसकी सेवा की जाती है, मतलब पूरी अच्छी तरह से इनकी सेवा की जाती है। और हम क्या मतलब स्वावलंबी है, क्या हम गौशाला में ऐसा नहीं किसी के जो दान दक्षिणा से चलती हो, अनुदानों से चलती, ऐसा नहीं। हमारे इन गायों के जो प्रोडक्ट निकालते हैं उनके गोमूत्र है, उनसे वहाँ गोचन अर्क बन जाता है, और उसके गोबर है उससे गोचंदन धूपबत्ती बनती है। इसके अलावा इतना ही नहीं, इसके बाद सोशल और भी उनकी सेवाएँ होती है, जैसे कि निवाई के आसपास के गाँवों के जो गरीब लोग हैं, जो कि 40 या अबव उससे ऊपर हैं, जो कि अपने घर पर काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता है। उनका काम है सुबह 9 बजे से आएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, दोपहर को 1 बजे उनको भरपेट भोजन मिलेगा, वो भी कहना था ऐसा नहीं एक जैसा भोजन, हमेशा उनको जैसे मनपसंद का भोजन मिलेगा, और शाम को उनको 40 रुपये दक्षिणा के रूप में दिया जाएगा। अपने हाथों से धूपबत्तियों का निर्माण करती निवाई की इन महिलाओं का जीवन पहले गुमनामियों में गुजर रहा था, जहाँ इनके परिवारों को महज पुरुषों की मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता था, वहीं घर की आर्थिक स्थिति भी बुरी थी। ऐसे में गौशाला में धूपबत्तियों के कार्य में जुटने से इन परिवारों को फायदा हुआ, जिसके चलते इन परिवारों की स्थिति बदल गई। आज ये महिलाएं यहां आकर अपने हाथों से धूपबत्तियों का निर्माण करती हैं, जो कि पूजा के काम में आती हैं। इसके लिए पहले गोबर, गुगल, लोहबाण, देशी घी के साथ खुशबूदार जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार होता है, जिसे सांचे में ढालकर बत्तियों का निर्माण होता है और बाद में उसे पैकिंग कर दिया जाता है। बदले में मिली महिलाओं को घर परिवार चलाने की मजदूरी, जिससे बदल रही है उनके परिवारों की तस्वीर। हम यहाँ पर 10 साल हो गए हमें आते, हमारे परिवार को बड़ी सुविधा मिल रही है, इनसे बच्चे का पालन वालन, हमारे घर परिवार भी चल रहा है और हमें अच्छी सुविधा मिल रही है, यहाँ का काम हमारे बहुत अच्छा लगता है। काम करते हैं, इस चीज से हमारा घर का खर्चा चलता है। 10 बजे से आके ये बत्तियां बनाएगी और इनको पर डे का जैसे 125 से लेके 150 रुपए तक पड़ जाते हैं, इससे इनके घर पलते हैं, और शाम को ये 5 बजे यहाँ से छुट्टी हो जाती है। किस तरह बनती है बत्ती? जैसे ये बत्ती में विशेषतर गाय का गोबर है और उसके साथ में कपूर, गुगल और गाय का घी विशेष रूप में, और भी प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ जो सुगंधी वर्धक है, पुष्टि वर्धक है, वो जड़ी बूटियाँ मिला के इसको बनाया जाता है। और ये अगरबत्तियाँ एक तो वातावरण को शुद्ध करती हैं, जो हानिकारक जीवाणु उसका नाश करती है, और ध्यान भजन में मदद करती है। जहाँ एक ओर लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर ये गौशाला एक प्रेरणा है। इस गौशाला में यही नहीं कि गायों को पाला जाता है, बल्कि यहाँ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, जिससे उनका पालन पोषण भी होता है। HBC विशेष में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे टोंक के संत आशाराम गौशाला की, जहां गायों के पालन पोषण के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ और बातें। गौशाला के मायने भले ही महज उन गायों का पालन पोषण हो जिन्हें या तो लोग छोड़ जाते हैं या फिर जो कि कत्ल करने के लिए कत्ल खाने जाते समय पकड़ी जाती हैं, लेकिन टोंक की संत आशाराम गौशाला के मायने गायों के लिए कहीं बदले नजर आते हैं। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक सेवक गायों की देखभाल करते हैं और गायों को स्वस्थ रखने के लिए उनकी पूरी जांचें भी होती हैं, और यहाँ तैयार होते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद, गोबर गैस, गौमूत्र। यही कारण है कि इससे जुटने वाली राशि न सिर्फ इन गायों का पेट पालने में सहायक साबित हो रही है, बल्कि आसपास के हजारों परिवारों का पेट भी इससे पल रहा है। वहीं गायों को स्वच्छ वातावरण में फलते फूलते देखा जा सकता है, मानो ईश्वर ने इन्हें